कर्नाटक के अंदर अलग है मध्य प्रदेश के अंदर अलग है बोर्ड और गवर्नर्स अलग है एक्जेक्टिव कमेटी अलग है और वो डे महीने बाद वो अपनी जब उन्होंने चलाया जब उसको उन्होंने कर्नाटक के बोर्ड का चेयरमैन मेरा दोस्त है अभी भी चेयरमैन दोस्त है उन्होंने उन्हें वो महीने तीन महीने में क्वार्टरली मीटिंग रहती अब तो इस्टेब्लिश हो गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके साथ जुड़ी हैं मंदिर उसके साथ जुड़े हैं अच्छे नदियाँ अच्छे डैम उसके साथ जुड़े हैं तो ये मैं कुल मिला सभापति महोदय ये कहना चाहूँगा कि नहीं ये जो है वो नीति सरकार उस पर विचार करे और क्रिस्टल क्लियर नीचे आए जिससे कि हिमाचल प्रदेश में जो हम पर्यटन की राजधानी हिमाचल प्रदेश को बनाना पूरे हिमाचल प्रदेश को बनाना चाहते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आए ये सदन का ध्यान में इस जो जो मैंने ये प्रस्ताव रखा है इसको इसके, इसके जरिए लाना चाहता हूँ आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब इस चर्चा में भाग लेंगे मान्य सदस्य श्री मोहनलाल बरागटा जी माननीय सभापति महोदय जो गैर सरकारी संकल्प यहाँ पर श्री केवल सिंह पठानिया जी ने लाया कि प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम तथा इको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने बारे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद वैसे तो माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी बहुत सारी बातें डिटेल में कर दी है मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा इतना जरूर मैं बताना चाहूँगा जहाँ तक कि एको टूरिज़्म और वन संरक्षण की अधिनियम की बात आती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो विषय है क्योंकि आज इस टूरिज्म टूरिज्म की दृष्टि से जहाँ तक मैं तो पूरे प्रदेश की अगर बात करूँ हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत प्रदेश है चाहे यहाँ के पहाड़ों की बात है चाहे हमारे मैदानी इलाके है और हम देवी देवी देव देवी देवताओं देभ पर विश्वास रखते हैं देवभूमि के नाम से माना जाता है टूरिस्ट भी बहुत आते हैं ऐसा नहीं है और ठीक बात है जैसे यहाँ पर मान्य सदस्य सा, सिर सा, केवल सिंह टानिया ने कहा कि कोई टूरिज्म पॉलिसी लाने की आवश्यकता है इससे जो है हमारे जो प्रदेश के नौजवान साथी है उनको रोज़गार मिलेगा लोकल जो रेजिडेंट्स होंगे उनको रोजगार मिलेगा हर हर वर्ग को हर क्षेत्र में इस पॉलिसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा पॉलिसी तो बननी चाहिए और अच्छी बननी चाहिए जैसे बनी भी है चलो इतनी पूरी कामयाब मारी नहीं हुई आगे इसकी आवश्यकता है इसके साथ साथ पॉलिसी बनाने के साथ साथ हमारी दूसरी भी इसके साथ और भी बातें हैं जैसे रोड की रोड रोड हमारे ठीक हो अगर हमारे रोड ठीक नहीं होंगे तो टूरिस्ट कम आएगा और दूसरा रोड के साथ साथ शौचालय की बात भी की आपने और हम देखते चाहे हम शिमला से अगर हम दिल्ली की तरफ भी जाए तब बार हमारे को जो है रास्ते में शौचालय बहुत कम मिलते हैं मेरे ख्याल मेन मेन मैं स्टेशनों में ही है कई जगह तो मैन स्टेशनों में भी नहीं है ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें हैं और जैसे मैं अगर पूरे प्रदेश की शिमला की बात करूं शिमला एक मैं अपनी कॉन्टुंसी की अगर बात करूं इन्होंने चांशल की बात भी कही चांशल एक बहुत खूबसूरत जगह है और सभी सरकारों ने इसको डेवलप करने की कोशिश की है पर आज तक हम कामयाब नहीं हुए हैं बहुत खूबसूरत जगह है जो छः महीने जो है बर्फ़ से ढकी रहती है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं गर्मियों में ख़ासकर अप्रैल महीने में और अप्रैल महीने में बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ कोई अभी पॉलिसी नहीं बनी ऐसा कोई आ, सरकार की ओर से भी नहीं है ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी वहाँ पर कोई खास सुविधा नहीं है वहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और उससे क्या हो रहा है वहाँ पर प्रदूषण भी फैल रहा है लोग जो है सड़कों में ही शराब पीने बैठ जाते हैं और खाने पीने की चीज़ें कोई वो नहीं है रोकथाम नहीं है तो इसलिए चांचल की बात अगर मैं कहूँ उसको डेवलप करके हमें जो है बहुत सारा फायदा होगा ख़ासकर वहाँ के लोगों को भी होगा सरकार को भी होगा और उस चांचल को जो डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है टूरिज्म की दृष्टि से और इको टूरिज़्म की दृष्टि से जो है आ, जो इकोट्रिजम पॉलिसी की बात इन्होंने की इस पॉलिसी से